नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोज आती रहती हैं, उन वीडियोज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का हम टॉपिक ले रहे हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर का एक धातु होती है, एक दिशा होती है, उससे रिलेटेड वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, मंत्र होते हैं और जबकि संख्या होती है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को देवताओं से जोड़ा जाता है। वैसे तो तालिका आप सभी के सामने है, लेकिन आप रीडिंग के पर्पज से पढ़ सकते हैं। नंबर वन रिप्रेजेंट करता है सूर्य देव को, और इनके जो धातु होता है, जो इनकी धातु होती है, वह स्वर्ण व ताम्र होती है। इनका कलर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर भूरा, पीला और सुनहरा होता है। इनकी दिशा पूर्व होती है। वस्तुएं बेसिकली जो रोशनी होती है वो भी लाल होती है सूर्य की, तो लाल वस्त्र, केसर, चंदन व ताम्र इनकी वस्तुएं होती हैं। धान्य इनका गेहूं होता है। जो पदार्थ होता है वह घृत होता है या घृत होता है। मंत्र आपके सामने ही है, आप वैदिक मंत्र का जप भी कर सकते हैं। नंबर टू मून को रिप्रेजेंट करता है और शिव जी जी को रिप्रेजेंट करता है। इनकी धातु रजत होती है। इनके जो कलर्स हैं वो श्वेत हैं, हरित है, काला है, और जो इनकी दिशाएं हैं वो वायव्य दिशा कहलाती है। इनसे रिलेटेड वस्तु है शंख, कपूर, श्वेत वस्त्र, और जो इनकी धान्य है वो चावल है, और जो इनसे चीज से रिलेटेड वस्तु होती है जिन्हें पदार्थ कहा जाता है वो दही है। इनके मंत्रों का जाप 13,000 बार किया जा सकता है सिद्ध करने के पर्पज से। नंबर 3 विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, देवगुरु बृहस्पति जी को रिप्रेजेंट करता है और विष्णु जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इनकी धातु स्वर्ण है। इनका कलर चमकीला, हरा, गुलाबी और जामुनी है। इनकी दिशा ईशान है। इनकी जो वस्तुएं हैं वो है हल्दी, पुस्तक और पीला वस्त्र। इनसे रिलेटेड वस्तुएं हैं। धान्य जो इनका है वो चना दाल है, और जो पदार्थ इनके हैं वो घृत है, और 10,000 बार इनके मंत्र की जप संख्या है जो की जा सकती है। नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। यहाँ पे राहु को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो धातु है वो शीशा है, और जो इनका कलर है नीला व खाकी। जो इनकी दिशा है वह नैऋत्य दिशा है। इनसे रिलेटेड चीज होती है कंबल, तेल, तिल, नीली, और जो इनके धान्य होता है वो तिल का तेल होता है या तिल होते हैं, और जो इनका पदार्थ है वो तेल है। राहु देव के बीज मंत्र का जाप 18,000 बार करने पर रिजल्ट मिलता है। बेसिकली इनके इष्ट देव को दिया गया है, जिनकी पूजा से फायदा होता है। नंबर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मी ना देवता जी। जो इनके धातु है वो स्वर्ण एंड पीतल है। जो इनका रंग है वो है खाकी, श्वेत व चमकीला। जो इनकी दिशा है वह उत्तर है, और जो इनकी वस्तुएं हैं वो है साबुत मूंग, कस्तूरी, कांसा व हरा वस्त्र। साबुत मूंग इनके धान्य होती है। जो इनके पदार्थ होते हैं घृत या धृत होते हैं। बुध देव के बीज मंत्र को आप 9,000 बार करके सिद्ध कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदे देगा। नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है इनकी देवी माता, जो कि प्लेटिनम एंड रजत इनकी धातु होती है। रंग इनका नीला व आसमानी होता है। दिशा इनकी अग्नेय होती है।
और जो इनकी वस्तुएं हैं वो है मिश्री चावल श्वेत वस्त्र, जो इनके धान्य है वह है चावल, और जो इनके पदार्थ है वो है दूध। 16,000 बार इनके जप करने से ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। नंबर 7 को रिप्रेजेंट करते हैं नरसिंह जी, और इनकी जो धातु होती है वह होती है अभ्रक सह धातु। इनका रंग श्वेत हरा व काफूरी होता है। इनकी दिशा नैऋत्य दिशा होती है, और सह धान्य इनका वस्तुएं होती हैं। नारियल भी इनकी वस्तु कहलाती है। शस्त्र ध्रुव वस्त्र ये भी इनकी वस्तुएं हैं। धान्य इनका सह धान्य है, और तेल इनके पदार्थ होते हैं। केतु देव के बीज मंत्र को आप 7,000 बार करके सिद्ध कर सकते हैं। 8 नंबर भैरव जी का है। धातु इनकी लोह है, और जो इनके रंग है वह गहरा नीला काला काक रोधी, और इनकी जो दिशाएं हैं वह पश्चिम। सरसों खड़क तेल तिल व काला वस्त्र इनकी वस्तुएं कहलाती हैं। जो इनकी धान्य है वह उड़द, जो इनके पदार्थ है वह है तेल, और 23,000 बार इनके बीज मंत्र का जाप करके हम फायदा ले सकते हैं सिद्ध करने के बाद। बेसिकली ये प्लैनेट के देवता हैं, ये प्लैनेट के देवता हैं। नंबर 9 के देवता हैं हनुमान जी, जो इनकी धातु है वो है ताम्र, रंग इनका गुलाबी व गहरा लाल, दिशा इनके लिए दक्षिण है। लाल वस्त्र केसर व रक्त चंदन व ताम्र इनकी वस्तुएं हैं। धान्य मसूर जी हैं, पदार्थ धृत है, और इनका जो बीज मंत्र है भूमि पुत्र का नंबर 9 का 10,000 बार करके हम फायदा ले सकते हैं। बेसिकली कुछ डिफरेंस हो सकता है हमारी नॉलेज में और आपकी नॉलेज में, क्योंकि लॉट्स ऑफ बुक्स से ये नॉलेज ली जाती है, जो कि और पर्सन से डिफरेंट रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा।